महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा के लोग आज सबसे ज्यादा अगर परेशान हैं तो मुंब्रा कौसा में सरकारी अस्पताल न होने की वजह से काफी परेशान हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके अपने शहर में एमएम वली पर अस्पताल बनाने की मंजूरी सन 2008 में ही मिली थी और अस्पताल के नाम पर मुंब्रा शहर के नेताओं ने ढोल बजा बजा कर बताया कि शहर में अस्पताल बन रहा है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। कहावत है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, ठीक उसी तरह से ये ढोल बजाने वाले नेताओं का अस्पताल अभी तक बन ही रहा है। वो अस्पताल अभी भी ऐसे आधा अधूरा बना पड़ा हुआ है। सोचिए, 10 से 12 साल हो गए हैं और मुंब्रा शहर में एक अस्पताल अभी तक नहीं बन पाया है। कलवा शिवाजी अस्पताल जाने के लिए मुंब्रा शहर के लोगों को इस लॉकडाउन में पुलिस की लाठियां तक खानी पड़ी। रिक्शे वाले मरीज को कलवा शिवाजी अस्पताल ले जाते वक्त पुलिस वालों को मरीजों का चेहरा और फाइल दिखा दिखा कर जैसे तैसे तो अस्पताल पहुंच जाते थे, मगर वापस लौटते समय ये रिक्शे वाले पुलिस वालों के डंडों का शिकार हो जाते थे। और हालात ऐसे बन गए कि मुंब्रा कौसा के मरीजों को कलवा शिवाजी अस्पताल कोई भी रिक्शे वाला ले जाने के लिए राजी नहीं है। जिनके पास खुद की गाड़ियां थी वो तो चले जाते हैं, मगर जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं उनका तो रिक्शा ही सहारा था। अब सोचिए कि अगर 10 से 12 साल से ये अस्पताल के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, अगर ये अस्पताल आज बना होता तो लोगों को इस अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा मिलती ना। कम से कम इस लॉकडाउन में कलवा शिवाजी अस्पताल जाते वक्त शहरवासियों को पुलिस की लाठियों का शिकार तो नहीं होना पड़ता। आज जो आपके शहर में 10 से 12 साल से भी ये अस्पताल नहीं बन पाया है, उसके लिए असली जिम्मेदार कौन है? यहाँ के नेता, वो कॉन्ट्रैक्टर जो अस्पताल बनाने को लेकर मुंब्रा कौसा के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर इस अस्पताल के निर्माण में इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी जानबूझकर की जा रही है या फिर आखिर निर्माण में देरी करने से क्या जो लोग इस अस्पताल के निर्माण कार्य में लगे हैं उनको कुछ फायदा हो रहा है, इसीलिए ये जानबूझकर देरी की जा रही है? कॉन्ट्रैक्टर पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है कि अस्पताल के निर्माण में इतनी देरी क्यों की जा रही है? आखिर इस अस्पताल के निर्माण में देरी होने पर मुंब्रा प्रभाग समिति के अध्यक्ष अश्विन राउत ने सवाल उठाए हैं। अश्विन राउत का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस अस्पताल में आखिर 10 से 12 साल से ऐसा क्या बनाया जा रहा है जो इतने सालों में अभी तक नहीं बन पाया है? या फिर अस्पताल के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है? अस्पताल को जल्द निर्माण पूरा कर और उसे शुरू करने की मांग मुंब्रा प्रभाग समिति की अध्यक्ष अश्विन राउत ने ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर विजय सिंघल से की है। सुनिए इस आधे अधूरे अस्पताल के निर्माण पर मुंब्रा प्रभाग समिति के अध्यक्ष अश्विन राउत ने क्या कहा है। मुंब्रा में जो एमएम वली का हॉस्पिटल उसे 2008 में ही मंजूरी मिली थी, लेकिन आज तक वो हॉस्पिटल बनके तैयार नहीं हो पाया। तो इस पे थाने महानगर पालिका में आप लोग पूछताछ कर रहे हैं, इस पर जांच कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं बनकर तैयार हो पा रहा है ये हॉस्पिटल, किसकी लापरवाही, क्या कॉन्ट्रैक्टर इस पे लापरवाही कर रहा है या और कोई वजह है दूसरी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, 2008 में मंजूरी ज़रूर मिली थी हॉस्पिटल को, लेकिन आवार साहब के आने के बाद उसका काम जो है बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ और आज जो है वो इमारत बन के तैयार है। इसकी ओपनिंग भी होने वाली थी लेकिन कुछ कामों की वजह से वो रह गया है। क्या वजह है इसकी, क्यों रुका हुआ है काम इसका? देखिए, इसमें ना मुझे तो कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इमारत बनने में इतने साल बीत जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 2010 से अगर पकड़ेंगे तो आज तक के कई साल बीत गए, 9 साल हो गए उसको। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है, अभी हम सभी नगर सेवक मिलकर आवार साहब से कहेंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की जो है इंक्वायरी लगाई जाए कि ये क्यों लापरवाही कर रहा है। जानबूझ के माइनॉरिटी का इलाका है और यहाँ पे जो है पेशेंट की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अभी हमारे लोगों को जो है मुंब्रा से अभी सिविल हॉस्पिटल थाना में लेके जाया जा रहा है। कालसेकर हॉस्पिटल अभी हमने प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको चालू कराया। तो कोरोना पेशेंट जब हम लोग पेशेंट लेकर जाते हैं तो हम लोग को इतनी दिक्कतें आ रही है कि जिसकी कुछ हद नहीं। अगर ये हमारा खुद का हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू होता तो हमारे लिए भी वो फ़ायदेमंद होता था,
और अभी ये क्यों नहीं हो पा रहा है इसके लिए हम जांच कमेटी बिठाएंगे और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पर जो है वो उसके ऊपर फाइन बिठा देंगे कि ये उसका गलत मतलब जो काम जो उसका काम करने का तरीका है टोटली गलत है और काफ़ी उसने साल मतलब इसमें लगा दिया है। अभी आवाज़ साहब से हम ये मांग करेंगे और हमारे टीएमसी कमिश्नर से इस चीज़ की मांग करेंगे। मल्लिक अस्पताल बना होता तो मुंब्रा वासियों के लिए लाभकारी आज साबित होता। बेशक बेशक ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये आज से 2-3 साल पहले ही इसकी ओपनिंग हो जानी चाहिए थी और आवाड़ साहब ने इसकी मांग भी किए थे। मुझे आज भी याद है कि जब आवाड़ साहब का इलेक्शन था तो उसमें बुकलेट में उन्होंने इसको ये भी किया शाये भी किया था और उन्होंने जो है मीडिया में भी ये बात बताई थी कि मैं जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को आवाम के लिए खोलने की कोशिश करूँगा। उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से जो कुछ हो रहा है क्योंकि जब तक वो मुकम्मल नहीं होता उसकी स्टेशनरी नहीं आती है तब तक हम उसको ओपन भी तो नहीं कर सकते ना। आप लोग बात कर रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेने के लिए आप लोग जो मांग कर रहे हैं? देखिए अभी जैसे ही ये अभी हालात थोड़े संभल जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लोग आवाड़ साहब के साथ मिलके कमिश्नर से जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई करने की मांग करेंगे और उससे फाइन वसूल करने की बात करेंगे क्योंकि इतने साल किसी इमारत को बनने में नहीं जाते क्योंकि वो ताजमहल नहीं है जो मार्बल लगा के बनाया जाए। अगर आप लोग देखेंगे तो देखते ही देखते 3-3 महीने में 7-7 माले के टावर बन जाते हैं। देखते ही देखते अभी हमारे जोशी साहब ने जो है वो कचरे का बायोगैस का जो प्रोजेक्ट लेकर आए उसकी इमारत का काम शुरू कर दिए MM वैली में। तो जब हमारे अधिकारी इतने फास्ट है तो उनके ठेकेदार क्यों इतने स्लो हो रहे हैं? जो काम होना चाहिए फास्ट उसको स्लो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग भी इसकी मांग करेंगे कि भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई हो जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि आए दिन नया काम निकालना नए बिल निकालना और शायद जहाँ तक अभी मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है अभी डाउटफुल हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ साल बढ़ने के बाद मेंटेनेंस का काम निकल जाता है तो ये अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत का काम हो सकता है। तो अगर ऐसे अधिकारी और ऐसे ठेकेदारों पे जो है ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे कमिश्नर साहब से अपील करूँगी कि आप लोग प्लीज़ पर्सनली इसमें ध्यान दीजिए क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य का मामला है सेहत का मामला है। आज मुंब्रा में ये हॉस्पिटल लाने की वजह ही यही थी कि ये माइनॉरिटी का इलाका है और इतने बड़े इलाके अगर आप देखेंगे तो मुंब्रा से ही आधे से ज़्यादा पेशेंट जो है शिवाजी हॉस्पिटल में और सिविल हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं क्योंकि जहाँ तक बाहर का जो इंटीरियर थोड़ा बहुत कलर का काम होगा अंदर का भी काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है जो थोड़ी बहुत स्टेशनरी और जैसे जैसे दिन बढ़ते वैसे वैसे मेंटेनेंस का काम बढ़ते जाता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार ठेकेदार और जो ऑफिसर्स मिलके अगर ये सब इसकी लापरवाही करते हैं तो ऐसे लोगों पे गुनाह दाखिल होना चाहिए ऐसे लोगों की इंक्वायरी। क्या मुंब्रा कौसा की जनता के लिए सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो फिर MM वली पर जो 10 से 12 साल से क्यों अधूरा लटका पड़ा हुआ है ये सरकारी अस्पताल? मुंब्रा प्रभाग समिति के अध्यक्ष अश्विन राउत ने ठाणे मनपा कमिश्नर से मांग की है कि इस अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए और इस अस्पताल को चालू किया जाए। अगर कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही इस अस्पताल के निर्माण में किया है तो उस पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।